तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ मेरे से तो बढ़िया ही होंगे, आपके पहले की तरह। और भाई, रात की वीडियो में आपने देखा होगा, बिना किसी इंट्रो के अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाय ब्रो, वी व्लॉग, मेरा नाम है विवेक। और भाई, मेरे बराबर में पापा लेटे हुए हैं। अब मैंने आपको बताया था कि रात पापा सत्संग में गए हुए हैं, तो भाई मैं तो गया नहीं था, इसलिए मैंने कोई वीडियो वगैरह बनाई नहीं। तो किसी दिन जाएंगे तो आपको सत्संग भी दिखाएंगे। और यहाँ पापा लेटे हुए हैं। मेरे को नींद आ रही है, पूरी रात जागा हूँ। अच्छा, बहुत सारे महात्मा आए थे, ये सत्संग हुआ है वहाँ पे मीतली में, मीतली गांव में। अच्छा, बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत आनंद आया। अच्छा जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने वहाँ पे प्रवचन करे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन हुए हैं। बहुत बहुत पूरा गांव इकट्ठा हो गया वहाँ। अच्छा जी, पूरा गांव ने देखा, बहुत बढ़िया लगा। अच्छा जी, आज मैं पहली बार बाहर निकला हूँ कल। अच्छा जी, कल गए थे और सुबह आ गए अपने घर, और अब मैं ज़रा आराम कर रहा हूँ, थकावट तो होगी। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा थकावट सी हो रही है, उम्र भी ज़रा ज़्यादा ही हो रही है। अच्छा, और सत्संग का भी चैनल बनाएंगे, मैंने कही एक सत्संग का चैनल बनाओ। अच्छा, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आएंगी और आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी कैसे चलती है, कैसे कटती है, उसके बारे में बहुत अच्छे प्रवचन सुनने को महात्मा के मिलेंगे। अच्छा जी, और आप सब ठीक हो? आप सब ठीक ठीक हो? अच्छा जी, कोशिश करूँगा आप ठीक रहो। आप खुश रहो, ठीक रहो, फूलो फलो और पढ़ो अच्छी तरह। मेरा तो यही कहना है आप लोगों से, भाई बच्चे हो, बच्चे अच्छी तरह से परवरिश हो उनकी, बढ़िया खाने नाने का सब टाइम से काम करे करो। और एक बात मेरी याद रखना है, गलत बिल्कुल नहीं, गलत के धोरे बैठो मत। अच्छा जी, कोई अच्छी बात बताए अपने जीवन की या चलने की, भाई कैसे जीवन कटेगा आगे, कारोबार की, तो वहाँ बैठो, बुरे इनके धोरे बुरी संगत बिल्कुल मत पकड़ो। अच्छा जी, माँ बाप को बहुत दुख होता है, मैं जानता हूँ। अच्छा जी, और अच्छे नागरिक बनो इस देश के। अच्छा जी, जो भारत देश वाले भी याद करें, हाँ भाई देखो हिंदुस्तान में कुछ अच्छे नागरिक हैं, है? और ये नशे पसे की चीज़ बिल्कुल मत छुओ। खाओ, शरीर में जो कुछ खाओगे, जैसे नशे करते हैं, उसके बदले में कुछ खाओगे, दूध पियो, फल खाओ, तो शरीर में लगेगा, तुम्हारे आगे जीवन में काम आएगा वो। अच्छा जी, स्टोन बनो। अच्छा, तो भाई जैसे कि पापा का भी चैनल स्टार्ट करने वाले हैं हम सत्संग वगैरह का, वहाँ पे आपको जो है ज्ञान धर्म की बात सीखने को मिलेगी, ज़िंदगी कैसे चलती है वो सीखने को मिलेगी। तो वो चैनल मैं जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ और आपको देखने को मिल जाएगा। जिस दिन मैं चैनल स्टार्ट कर दूँगा, 2-4-5 दिन में, उस दिन आपको लिंक दे दूँगा अपनी वीडियो के नीचे, जाके सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट करना, ठीक है? आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी, महाराज गुरुजियों से मिलाया जाएगा आपको, उनके प्रवचन सुनाए जाएंगे, कुछ कीर्तन सुनाए जाएंगे, कुछ सत्संग दिखाए जाएंगे, भजन होएंगे, सारी चीज़ दिखाई जाएगी आपको। और भाई जैसे कि आपको पता है कि आज से हमने 30 डे 30 व्लॉग चैलेंज शुरू कर दिया है। आज से मेरी डेली वीडियो आएगी, 30 दिन तक डेली रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, चाहे मैं कुछ भी बनाऊं, जो भी काम मैं कर रहा हूं, जहां भी मैं जा रहा हूं, आपको मैं डेली 30 वीडियो, हर महीने 30 वीडियो दूंगा मैं। आज का मेरा ये चैलेंज है, तो मेरे को इस चैलेंज में साथ दें आप, सपोर्ट करें, ठीक है ना? मैं भी आपका छोटा भाई हूँ और मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा, आप मेरे को सपोर्ट दें मेरे इस चैलेंज में, हमारी फैमिली के चैलेंज में, क्योंकि मैं जो भी व्लॉग बनाऊंगा फैमिली से रिलेटेड बनाता हूँ, इसमें कोई गलत कंटेंट नहीं आएगा, ना ही कोई गलत गाली वगैरह आएगी, जो भी आएगा एकदम शुद्ध आएगा, आपको देखने में अच्छा लगेगा, आप एंटरटेनमेंट होएंगे। और भाई मैं अभी जा रहा था लोनी चोर बाज़ार में, चोर बाज़ार से मुझे लाना है भाई एक माइक लाना है, और एक लाना है मेरे को छोटा सा ट्राईपोड वगैरह जो बोल देते हैं हाथ में लेके, जिसमें मैं मोबाइल लगा के कर सकता हूँ, क्योंकि इस टाइम मैंने हाथ में मोबाइल अपने पकड़ रखा है और ये मोबाइल गिर जाता है और हाथ में भी दर्द होने को शुरू हो गया है, और थोड़ी आवाज़ भी थोड़ी सी भारी हो जाएगी माइक से। तो मैं जाऊँगा, माइक लेके आऊँगा और एक ट्राईपोड लाऊँगा, ठीक है ना? और खाना वाना बना लिया हमने,
ठीक है, खाना वाना खा खू के बैठे हुए हैं, मम्मी वहाँ बैठी हुई है आराम से अपना टाइम पास कर रही है, कोई देख नहीं रहा है। और मैं चलता हूँ, आपसे मिलता हूँ रास्ते में, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको चोर बाजार भी दिखाऊँ और घुमाऊँ। गलत मत सोचना, चोर बाजार नहीं, वो ऐसा है कुछ व्यापारी है, वो सामान ले आते हैं खरीद खरीद के, एक जगह घने सारे हैं, वो देखते हैं। पहले वो भाई चोर बाजार था, वहाँ पे सामान टूटा फूटा पुराना ऐसे मिलता था, लेकिन अब वहाँ पे सारा सामान नया मिलता है। तो लेकिन नाम तो चोर बाजार है उसका, लेकिन हम भी चोर बाजार ही कहेंगे उसको। बाकी मैं आपको दिखा दूंगा वहाँ चोर बाजार की, पूरी दिखाऊंगा आपको, वीडियो दिखाऊंगा पूरी घूम के, शायद मैं ना बोल सकूँ वहाँ पे, लेकिन आपको वीडियो जरूर दिखा दूंगा। तो अब मैं निकलता हूँ वहाँ के लिए, जाते हैं, ठीक है बॉस। तो मिलते हैं आपसे हम ऑटो के अंदर, तब तक के लिए आप भी लोग इन्जॉय करें, आराम से बैठ के जाएंगे और वीडियो बनते। ठीक है, अभी तो ये टाइमिंग चालू हुई है इसकी, और मैं माइक टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि माइक मैंने लिया है, ठीक है, 120 रुपये का बताया है। अभी देखता हूँ, इसका वायर तो छोटा है लेकिन मैं देखता हूँ, ठीक है। यहाँ बाकी पूरे में मार्केट लगी हुई है, देख सकते हो पीछे तक, कपड़े वपड़े ट्राईपोड वगैरह, मोबाइल वोबाइल से रिलेटेड सारी चीज़ मिलेगी यहाँ पे, चश्मे वगैरह। तो भाई मैंने माइक ले लिया है, ठीक है भैया से माइक लिया है, ये माइक है, काम चल जाएगा इस माइक से, देख सकते हो कितना सामान है यहाँ, ठीक है। और भाई लीड वगैरह, स्पीकर वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह सारी चीज़ मिलेगी, भाई यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ सारी चीज़ मिलेगी भाई, हर जगह जगह की दुकान है। अब मैं यार सारी दुकान पर थोड़ी जाके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना, बाकी एक राउंड दिखा दूंगा आपको। और देख सकते हैं यार, कुछ भी सामान अगर चाहिए हो, सस्ता चाहिए हो, सारी चीज़ मिलेगी यहाँ पर, ठीक है ना, कपड़े वगैरह, रिंग लाइट वगैरह, ट्राईपोड वगैरह सारी चीज़ मिलेगी, ठीक है ना, जो भी चीज़ चाहिए हो सब मिलेगी। बस आ जाना, आपको मैं दिखा दूंगा, एड्रेस मैं नीचे दे दूंगा। और भाई मेरा तो काम हो गया, मैं लेने आया था यहाँ पे माइक देख सकते हो यार। और ट्राईपोड के लिए भैया बोल रहे हैं कि कल परसों में ला के दे दूंगा, तो ट्राईपोड भी मैं दिखा दूंगा आपको। बाकी जब तक आप मज़े लेना व्लॉग का, और घर जाके और बात करता हूँ मैं आपसे, ठीक है ना। ले लिया मैंने, और अब मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ, ठीक है ना। परसों फिर आना है मेरे को यहाँ पर वापसी, क्योंकि भैया ने बोल दिया है कि 2-3 दिन बाद ला के दूंगा मैं, ठीक है ना। एक बार और पूछ लेते भैया से कि 2-3 दिन बाद ला के दे देंगे या नहीं दे। भैया 2-3 दिन में ला के दे दोगे ना? पक्का ना? मैं आऊँगा 2-3 दिन बाद में लेने के लिए आपसे ट्राईपोड। और आप ये सामान क्या क्या बेच रहे हो एक बार थोड़ा बता दो, ठीक है ना, थोड़ा सा एक बार बता दो क्या क्या सामान है। भैया ट्राईपोड है 500 रुपये मिल जाएगा, और ये स्पीकर हैं, ये सब अलग अलग रेट के हैं। ये स्पीकर है, हाँ, 300 रुपये, 250 रुपये, 450 रुपये। और ये ब्लूटूथ हैं ऊपर बैक नेक बैंड, इसमें लेकर 200 रुपये से और 600-700 रुपये तक के नेक बैंड हैं। ये लीड हैं, ओरिजिनल लीडें होती हैं, और ओरिजिनल चार्जर हैं, नेक बैंड हैं। कोई भी सामान भारी डिस्काउंट में मिलता है हमारे यहाँ। जो भैया ने बताया है ना, ज़रूरी नहीं है यही रेट हो, थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है, ठीक है ना। आप आओगे तो हो जाएगा। भैया अपना नाम बताओ। नाम जावेद है जी। भाई अंदर घुसोगे, अंदर घुसते के साथ ही सेकंड वाली लाइन में लास्ट की दुकान ही नहीं की है जी, ठीक है ना। आप आना यहाँ पर, और मैं परसों फिर आऊँगा भैया के पास में, फिर दिखाऊँगा आपको, ट्राईपोड लाएंगे भैया, ठीक है ना। तब तक के लिए यार आप ब्लॉग को इन्जॉय करें, मज़े लें, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट दिखा देता हूँ मैं, और फिर आपसे मिलता हूँ सीधा मैं घर पर। तब तक के लिए मज़े लें।
तो भाई मैं निकल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। कल परसों फिर आएंगे और आपको आना हो ना तो आ जाना यहाँ पे। बाकी तो यार मैंने तो सामान ले लिया है और मैं जा रहा हूँ अपने घर पे, ठीक है ना। तो बाहर भी लगा हुआ है सामान, ऐसी बात नहीं है, बाहर भी लग रहा है ना तो ठीक है। पर बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जीन्स वगैरह लेनी हो पुरानी वगैरह तो ले सकते हैं आप, ठीक है ना। एंट्री यहाँ से है इसकी, ठीक है, बराबर में है। ये तो ऐसी मिल रहा है, हमें तो सामान मिला नहीं हमारा। और बाकी जब मैं आऊँगा ना तो परसों दिखाऊंगा मैं आपको कि क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। बराबर में सेंटर है लोनी के अंदर, ऊपर ये होगा एक होम ग्रुप, ठीक है। तो यार अब मैं चलता हूँ और आपको मिलता हूँ ऑटो के अंदर। रोड पे भी कपड़े वगैरह लेने हो तो कपड़े की भी मार्केट लग रही है यहाँ पे, सारी चीज़ ले सकते हैं तुम। बस भाई अब हम जाने वाले हैं सब्जी मंडी में, ये यहीं पे सब्जी मंडी है हनुमान मंदिर के पास में, देखना आप, ठीक है ना। टोटल सब्जी मंडी चालू होगी है यहाँ से और यहीं से निकल के हम जाएंगे अपने वहाँ घर। ऑटो लेने के लिए क्योंकि इस तरफ से नहीं जाएंगे, पार जाना पड़ेगा, मैं पार जाऊंगा अभी, ठीक है ना। ये देख सकते हैं हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर का आपको व्लॉग देखने को मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो बाकी मैं चलता हूँ पार, ठीक है, देख लो यार, यही है लोनी का किराया। मैं कर रहा हूँ वेट ऑटो का, ऑटो आता है तो मैं चलता हूँ। रान ये रानप पे, हाँ ठीक है भाई, थोड़ा बीच में रुकना है मेरे को, रास्ते में कहीं जाना था। भाई हम बैठे हुए बैटरी वाले रिक्शे में, ठीक है भैया, यहाँ तक छोड़ देंगे हमें, हम चले जाएंगे आराम से घर पे। और मैंने आपको दिखाया तो था, आपको कैसा लगा बताना मेरे। ठीक है तो भाई मैं घर पे आ चुका हूँ, आपने देखा कैसे मैं वहाँ गया था चोर बाजार, और आपने देखा पूरी मार्केट देखी, ठीक है ना। जो भी लोनी का बंदा हो वो यहाँ आ सकता है और बाहर का भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो आपको पसंद हो वो ले सकता है, वहाँ से सस्ते रेट में मिल जाएगा, मतलब और उसे बाहर से तो आधे रेट में मिल जाएगा। और बाकी मैं ये माइक लेने के लिए गया था, आप बताना आपको कैसी आवाज़ लग रही है अब इससे, माइक से मैं बात कर रहा हूँ। घर आ चुका हूँ मैं और पापा भी यहाँ है नहीं, पापा गए हुए हैं मंदिर में, ठीक है ना। और भाई मम्मी जो है लेटी हुई है आराम से, ठीक है, मम्मी की जो है तबीयत ख़राब है आपको पता ही है। और भाई आपको कैसा लगा व्लॉग बताना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है ना। व्लॉग में डेली मेहनत होगी, व्लॉग आपको दिखाया जाएगा अच्छी तरह से, ठीक। और कोई टेंशन नहीं है यार, डेली व्लॉग आएगा। ये थोड़ी सी नर्वस तो होती है क्योंकि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ डेली व्लॉगिंग, तो आज थोड़ी सी तो नर्वस हो रही है, पर बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। खांसी उठ रही है। और उन भैया का जो है वो दोबारा से ख़राब हो गया था, ठीक है ना, तो फिर मैं रास्ते में से ही पैदल आया हूँ, ठीक है ना। अब मैंने बनाई नहीं क्योंकि रास्ते में धूप हो रही थी तो मेरे पे फोकस नहीं आता अच्छी तरह से, तो इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग। और ऐसे ही आपको डेली 9 बजे हमारा व्लॉग देखने के लिए मिलेगा, कल सुबह 9 बजे ये व्लॉग आपको देखने को मिल जाएगा और कल का व्लॉग आपको परसों देखने को मिलेगा, मतलब एक दिन पीछे चलूँगा मैं। आज अगर व्लॉग बना रहा हूँ तो ये आपको कल देखने को मिलेगा, कल जो व्लॉग बनाऊँगा वो परसों देखने को मिलेगा। और डेली शॉर्ट एक तो ज़रूर देखने को मिलेगी आपको, एक शॉर्ट ज़रूर देखने को मिलेगी,
वो मैं कभी भी डाल सकता हूँ। सुबह एक शॉट आपको मैं सुबह दे दूँगा 5 बजे, एक शॉट शाम को दे दूँगा 8 बजे के बाद में, ठीक है ना। पर बाकी मैं देख रहा हूँ कि मैं व्लॉग ही करूँ, मैं इस चैनल पे अपने पे पूरे पे व्लॉग करूँ, शॉट के लिए मैं दूसरे चैनल पे डालूँ शॉट, मेरा एक मोटिवेशन चैनल है मैं उस पे शॉट डालूँ। पर आप बताना कि क्या करूँ मैं, कि इसी चैनल पे शॉट डालूँ या दूसरे चैनल पे शॉट डालूँ, ठीक है ना। तो भाई मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है ना। खुश रहो, आबाद रहो, मम्मी पापा की सेवा करो, और भैया काम करो अपना ध्यान लगा के, ठीक है ना। और भाई अपने भाई को जरूर याद करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर कर देना अगर लाइक नहीं किया है अभी तक, तो जो भी बंदा नया आया है हमारे चैनल पे। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, टाटा, खुदा हाफिज़।